सबको बहुत बहुत सलाम। आए हम चंद एक बातें आज गुलाम और आजाद के बारे में सीखेंगे। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना चुनो। 2024 साल का ऑलमोस्ट एक महीना खत्म होने को है। एक बार फिर इस नए साल में गुलाम और आजाद के बारे में थोड़ी सी बातें हम जानेंगे, और आई होप कि जब हम इनको इस बातों को गौर से सुनेंगे और जो बाद में भी लोग सुनेंगे उनकी जिंदगी में एक नया काम। पहले तो हम देखें गुलाम है क्या, गुलाम की क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, किस दौर से वो गुलाम बनता है, इस बात को पहले हम समझते हैं। आए मेरे साथ निकालें इस्तिश्ना की किताब, उसका 15वां बाब, उसकी 12 आयत से लेकर आप प्लीज इसकी 18 आयत तक पढ़ें। इस्तिश्ना 15वां बाब, और कुछ बातें मैं तारीखी पहलू से बात करूंगा, हालात से बात करूंगा, लेकिन हम पहले सब सबसे पहले बाइबल से बात हम तस्दीक करते हैं कि गुलाम है क्या। अगर तेरा कोई भाई, खा वो अब्रानी मर्द या अब्रानी औरत, तेरे हाथ बिके, नोट करें प्लीज, गुलाम जो है पैसों से खरीदा जाता है। गुलामों की मंडी हुआ करती थी और पैसे देकर उनको खरीद लिया जाता था। और फिर वो 6 बरस तक तेरी खिदमत करेगा, और तू 7वें वर्ष उसको आजाद करना चाहे, वो अगर आजाद करना चाहे तो उसको आजाद कर सकता है, और अब उसको तूने फिर अपने हाथ से, खाली हाथ उसको रुखसत नहीं करना। और फिर क्योंकि लिखा है कि वो तेरे घर में आया और उसके वसीला से तुझे बरकत मिली। अब आगे लिखा है, याद रखना कि तू जब मिस्र में गुलाम था तो खुदावन तेरे साथ था, खुदावन तुझे छुड़ाया और तुझको इस बात का हुक्म देता दिया था कि जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, तमासील में पढ़ते हैं, खुदावन यीशु मसीह की अंजील से पढ़ते हैं कि वो शख्स जिसके जो कर्जदार था, गुना कर्जदार था, उसके गुनाह माफ हुए, और जिसका जिससे उसने कर्ज लेना था उसको उसने माफ नहीं किया। तो यहां पे वो बात खुदावंद हमें समझाना चाहती है कि जिसका 6 बरस तक तेरी खिदमत करेगा, 7वें वर्ष उसको आजाद कर दे। अब जो दुख की बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, बड़ी तकलीफ के बाद जो मैंने आज सीखी है, वो 17वीं आयत पढ़े थी, और तू तो एक उस्तादी लेकर उसका कान दरवाजा से लगाकर छेद देना। बहनों, जो मेडिकल से लोग हैं, जब छोटे बच्चों की भी नोज पिन या जो उसको कान में सुराख करते हैं, तो पता नहीं कितनी अच्छा स्पिरिट लगा के, साफ करके, उसको आइसक्रीम का बहाना लगा के, उसको खिलौने बजा बजा के, दादियां नानियां साइड पे ताली बजाती हैं और ठक से उसको उसके कान में छेद कर दिया जाता है। इनके साथ क्या हो रहा है? दरवाजे के साथ उसको लगाते हैं और फिर उसको कान में सुराख करते हैं, और फिर लिखा है कि वो तेरा सदा सदा तेरा गुलाम रहता है। ये मुझे बात बहुत तकलीफ आज मिली है, बहुत तकलीफ के बात, दरवाजे के साथ कान लगाकर, उसकी जैसे लकड़ी होती है ना, उस लकड़ी से कान लगाना और जोर से मारते थे, क्योंकि पैसे देके खरीदा क्या है। ये इंतहाई दुख का लम्हा है एक गुलाम के लिए। पैसे दिए, खिदमत करवाई, और फिर आगे लिखा है कि दो दूर दूर तक वो शख्स पहचाना जाता था। और एक दिन मैंने एक खादम से बात सुन रहा था कि उस दौर के अंदर पहला काम ये करते थे, दूसरा काम उसकी कमर पे यानी बैक पे, उसकी बैक साइड पे स्टैंप करते थे, इनग्रेव करते थे, स्टैंप लगाते थे, ताकि जब वो अपनी शर्ट
उतारता होगा अपने पीछे, लोग देखते होंगे तो दूर से लोग कहते होंगे गुलाम 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 गुलाम, जैसे पहले दौर में नापाक शख्स दूर से बोलता था मैं नापाक हूं मैं नापाक हूं मैं नापाक हूं। किस कदर अजियत की बात उस बंदे के लिए, उस बहन उस बेटी भाई के। अजीजो समझे इस बात को, इस गुलामी की किस कदर तकलीफ, किस तौर पे उसको तकलीफ होती होगी जब लोग उसका नाम पुकारते होंगे। सैमुअल की बजाय गुलाम कहते होंगे, कितनी तकलीफ होती होगी, कैसे गुलाम उसको बनाया जाता है, और वो सदा गुलाम रहता था। और फिर इस बात को अगर हम डिटेल से पढ़ते हैं तो वो एक पूरी उम्र करके वो उस घर में रहता था, तो जब उससे नहीं वो निकलना ही नहीं वहां से जाता था, वो मर्जी से फिर उस पे रहत मंडी में ले जाते, उस मंडी में ले जाके दूसरा शख्स उसको खरीद लेता था। ये एक बड़ी अजियतनाक बात है, गुलाम के साथ होता क्या है। फिर जब हम खुरूज की किताब के दूसरे बाब को पढ़ते हैं तो खुदा ने यकीनन बनी इसराइल के साथ कलाम किया था कि 400 वर्ष के बाद गुलामी खत्म हो जाएगी। 420 वर्ष गुजर गए, उन्होंने देखा कि हम तो आजाद हुए नहीं है, गुलामी से निकलना कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, गुलामी से से आप बनने लगी। मैं लास्ट वीक एक शख्स को मिला, मैं जिसको किडनी पेन थी, मैंने उसका कराहना सुना है। यही हाल बनी इसराइल ने कराए, रोए, खुदा के हजूर चिल्लाए, खुदा के हजूर आहे भरी उसने उन्होंने, और फिर खुदा ने अपने अहद को याद किया, इब्राहिम इजहाक और याकूब के साथ अहद किया था, खुदा ने हमारे साथ भी अहद किया है। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस अहद को समझने तुम्हारी जिंदगी समझ जाएगी। लूका की झील, यूहन्ना की झील निकाले प्लीज, आठवें बाब की 31 आयत से पढ़ना शुरू करें। लिखा है, और पास यीशु ने यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत मेरे शागिर्द होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। उन्होंने जवाब दिया, इब्राहिम की नस्ल से हम हैं, कभी किसी की गुलामी नहीं की, फिर तू क्यों कहता तुम आजाद किए जाओगे। अगली बात पढ़े 34 आयत, यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। किसी तरह से भी कोई शख्स जो किसी एडिक्शन में शामिल है, किसी नफरती कामों में शामिल है, वो क्या है? गुनाह का गुलाम है। और फिर गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। इसका मैं हवाला आपको देना चाहता हूं, आप गलतियों में आ जाए प्लीज, गलतियों का खत निकाले प्लीज, खुदावन प्लीज, गलतियों 4 बाब की 21 आयत से आगे पढ़े। मुझसे कहो तो तुम जो शरीयत के महतहत होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? ये लिखा है कि इब्राहिम के दो बेटे थे, एक लौंडी से दूसरा आजाद से, एक लौंडी से एक दूसरा। लौंडी का मतलब इंग्लिश में मेड कहते हैं, यानी जो किसी घर में काम करती है, काम करने वाली, उसका बेटा। कभी आप जो एक एक जन का बेटा है, भाई बहनी का भी एक बेटा है, मेरा भी एक बेटा है, सिस्टर
आसिया का एक बेटा है, सिस्टर बाजी का, बाजी मिसेस आफताब का एक बेटा है। कभी आपने अपने बेटे का खाना किसी मेड को दिया है? यकीनन जवाब होगा नहीं दिया। यही मैं बात आपको यहां समझाना चाहता हूं। लौंडी का बेटा, आजाद का बेटा, और अगले क्या है, मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर, आजाद का बेटा वादा किस बाब से, और फिर ये दो अहद हैं, और इन दोनों अहद को हम समझ सकते हैं कि जो गुलाम से पैदा होता है वो गुलाम ही होता है, और जो आजाद से पैदा होता है वो आजाद ही होता है। और इसका सबूत आप जब पुराने अहदनामा में पैदाइश में पढ़ते हैं तो बाप इब्राहिम ने उसको घर से निकाल दिया था। हमें समझ इस बात की है, आप इसको प्लीज पढ़ सकते हैं, 16वें बाप में पढ़ सकते हैं, उसको घर से निकाल दिया। दुख की बात मैं आपसे करूंगा, इसलिए मेरे बहन भाइयों आप पैदाइश में 16 में 17 में 18 में जब आप पढ़ते हो तो उसको घर से निकाल दिया, और वो बेचारी मारी मारी फिरती रही, क्योंकि वो क्या थी, बीवी नहीं थी, लौंडी थी। ये बात समझे आप प्लीज। इसलिए जो कोई लौंडी से पैदा होता है वो वादा का फर्जांद नहीं हो सकता। इसलिए आप इसको अब चौथे बाब की 8वीं आयत में आते हैं, तो लिखा है उस वक्त खुदा से ना वाकिफ होकर गैर मबूदों के गुलाम। आगे क्या, किस बात के गुलाम होते हैं, गैर मबूदों। और 16 ज़बूर चौथे लिखा है कि गैर मबूदों के पीछे भागने वालों को गम बढ़ जाता है। मोस्ट केयरफुल हो के आंखें खोलकर इस जहान में चलने की जरूरत है। शिफा कहीं से भी मिल जाएगी, निजात कहीं से, निजात हर जगह से नहीं मिलती, शिफा हर जगह से मिल सकती है। और फिर माबूद गैर माबूदों के पीछे जो खुदा से इलाका नहीं चीजें रखती, और आगे लिखा है फिर जो खुदा को नहीं पहचानते, निकम्मी बातों में रहते हैं, दोबारा गुलामी के जुए में चले जाते हैं, और वो दिनों को, महीनों को, बरसों को मानते हैं लेकिन खुदा को नहीं मानते। मेरे अजीजों, ये सारी बातें इस चैप्टर में बहुत तफसील से चौथे बाब पे पांचवें बाब में लिखी हुई हैं। और फिर किताबे मुकद्दस क्या कहती है कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगज वारस नहीं होगा। विरासत जो है, मिरास जो है, वो बेटे के लिए है, गुलाम के लिए नहीं है। गुलाम के तो कान में और पीठ पे स्टैंप लगी होती है, गुलाम 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 बोलते रहते हैं लोग उसको, बेटा नहीं है। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस सारे समा को समझे कि किस तरह से गुलाम की हालत जो है वो बताई जाती है। पहला पत्रस उसका पहला बाप, उसकी आप 19 आयत पढ़े, पहला पत्रस पहला बाप उसकी 19 आयत में खूबसूरत बात मेरे लिए आपके लिए है। बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह यस्सु के बेश कीमत खून से हमारी मखलसी हुई है। और इसका अगर आप जिसको ग्रंथियों में पढ़ते हैं तो लिखा है कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, खुदावंद का जलाल जाहिर करो। कीमत से, बड़ी हमारी कीमत है भाई, हम आम लोग नहीं हैं, हम कीमत से खरीदे गए हैं, और वो कीमत कोई आम चीज नहीं, खुदावंद यीशु मसीह का बेश कीमत खून है। इसलिए सातवें बाप की जब 23 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है तुम कीमत से खरीदे गए हो, आदमियों के गुलाम ना बनो, चीजों के गुलाम ना बनो, हालात के गुलाम ना बनो, वाकयात के गुलाम ना बनो। हमारी जिंदगी के अंदर ये जो गुलामी का काम है ना, इससे बाहर निकलो। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें पाक बुलावे के तहत, जो हमने गलतियों में बात पढ़ी है, पाक बुलावे के तहत उसने हमें बुलाया है, और फिर
हम इस रास्तबाजी के कामों को जितना जल्दी हो सके इसको रोज रोज हमें करने की जरूरत है। फिर चौथे बाब की, जब गलतियों चौथे बाब को पहली आयत से पढ़ती हैं, लिखा है कि मैं ये कहता हूं कि वारस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सबका मालिक है, उसमें गुलाम में कोई फर्क नहीं। मैच्योर होना है, रूहानी तौर पे मैच्योर होना है, समझना है कि मैं लोंडी का बेटा हूं या बीवी या मालकन का बेटा हूं। और फिर लिखा है कि खुदा ने उस म्याद को, उस वक्तों को जो मुख्तारों के सरप्रस्तों के पास थी, उससे हमें निकाल कर, गुलामी की हालत से निकाल कर, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत के से पैदा हुआ, और उसने हमें शरीयत के मातहतों से मूल लेकर खरीद लिया और लेपालक होने का दर्जा दिया। और अब वही लेपालक बेटे बाप को अब्बा अब्बा, फादर फादर, अब्बा कहकर पुकारते हैं, मेरा बाप। हम कहते हैं आई हमारे बाप, आसमानी बाप हम कहते हैं। आप एक लम्हे के लिए देखें, जब मुशरफ बेटा सूरों के अंदर था, वो सूरों का गुलाम था, वहां बेचा गया, वहां पे उस किसी शख्स के पास जब चला गया, उसका गुलाम था, जैसे अपने बाप के घर में आ गया। लूका 15 में बाप को डिटेल तफसील से पढ़िए आप, अपने बाप घर में आ गया, उसने इकरार किया और बाप ने उससे कहा इसको बेटा नहीं बादशाह बना दो। पता कैसे? आप पढ़े 15वां बाब की, उसके हाथों में अंगूठी पहनाई गई, और पुराने अहदनामा में बादशाह और नबी को सबसे पहले अंगूठी पहनाई जाती थी, और उस अंगूठी पे मोहर लगी होती थी उसकी। ये शर्फ है हमारा। योना पहला बाब 12वीं आयत में क्या लिखा है? आसमानी बाप के बेटे बेटियां बन जाते हैं, और जिस्मानी तौर पर इस जहान में बादशाह से कम हैसियत मरनी बादशाह से ज्यादा हैसियत होती है जब हम खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं। सो मेरे बहन भाइयों, आज इस थोड़े से समा को ज्यादा समझकर, ज्यादा बरकत के साथ जानकर, हम समझें कि खुदावन यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है, और इस आजादी का कीमत है वो थोड़ी नहीं है। आप इसको इमाल की किताब के 20 बाब की 28 आयत पढ़े प्लीज। ये हमारी जिम्मेदारी में आज आता है, बस अपनी और अपने सारे गले की खबरदारी करो, जिसका रोहल को उसने तुम्हें निगेबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की निगेबानी करो, जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। हमारा काम अब क्या है? दूसरों को गाइड कर, खुदावन यीशु मसीह को जिसके खून से हम धुल गए हैं, हमारा काम है दूसरों को आजादी की बात करना। क्योंकि यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सच्चाई से वाकफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, और सच्चाई खुदावन यीशु मसीह है। खुदावन यीशु मसीह को पहन लेंगे, खुदावन यीशु मसीह को जान लेंगे, तो फिर हम बाप इब्राहिम की सारी बरकत, जो गलतियों तीसरे बाप की जो 13वीं जो आयत में लिखा है कि फिर हम बाप इब्राहिम की सारी बरकत हमारी होगी। आप पढ़ें प्लीज, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर कहा गया है वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे, और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा किया गया है। अब फर्क साफ जाहिर है, गुलाम में आजाद में, और खुदावन ने इस बात को पौलुस रसूल के वसीला से लिखवाया है कि मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। बस कायम रहो, कायम रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं कभी एक महीना गुलाम, एक महीना आजाद, एक महीना गुलाम, छह महीने आजाद, एक महीना गुलाम, एक साल आजाद, ऐसे नहीं, कायम रहना है। और यूहन्ना 15 बाब में क्या है कि जो कोई मुझ में कायम रहता है वो बहुत सफल रहता है। खुदावन
मुझे और आपको आजाद रहने के लिए, आजादी को पाने के लिए बहुत बरकत दे। God bless you all.